CMA Foundation, exercise 1.2, capital and revenue transaction, capital and revenue expenditure, capital and revenue receipt, ये chapter का नाम है। अब सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि भैया transaction कितना तरीका का होता है। तो there are two types of transaction, एक है आपका capital transaction और एक है आपका revenue transaction। Transaction आपका दो तरीका का होता है, capital transaction, revenue transaction। कैपिटल ट्रांजेक्शन जो होता है इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबे समय के लिए इसका इफेक्ट होता है, और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन जो होता है इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन का इफेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैपिटल ट्रांजेक्शन का इफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब प्रश्न आता है व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब हम खर्च संपत्ति को खरीदने के लिए कर रहे हैं, जब हम खर्च एसेट को खरीदने के लिए कर रहे हैं या उसे बनाने के लिए कर रहे हैं, या तो खरीदने के लिए कर रहे हैं या तो बनाने के लिए खरीद कर रहे हैं, ऐसे खर्चा को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम संपत्ति को खरीदने के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं या उसे बनाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, ऐसे खर्च को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग एसेट और परचेजिंग एसेट और एडिशन टू द एसेट। एसेट को खरीदने में खर्चा किए या तो उसे हम बनाने में खर्चा किए, उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक हम जमीन खरीद लिए, एक हम मशीन खरीद लिए, एक हम बिल्डिंग खरीद लिए, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या मान लीजिए हम एक तल्ला बिल्डिंग खरीदे, उस पर दो तल्ला और ठोकवा दिए मैंने दो तल्ला और बनवा दिए, तो एडिशन करवा दिए ना, ऐसे खर्च को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स असेट, एडिशन टू द फिक्स असेट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट, ये सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। आपके बुक में कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट को क्या कराना, इंस्टॉलेशन करा देना, समझ पा रहे। आर्किटेक्ट फी, आर्किटेक्ट फी जो लगा है भी हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो खर्च हम कमाने के लिए करते हैं, जो खर्च हम कमाने के लिए कर रहे हैं, बिजनेस को चलाने के लिए कर रहे हैं, बिजनेस का डेली खर्च को चलाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे खर्चा को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। डेली का बिजनेस का खर्च को चलाने के लिए जो हम खर्चा करेंगे उसे कहते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल आपका सैलरी एंड वेजेज, रेंट, जनरल एक्सपेंस, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन क्या हो रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेजिंग एसेट और एडिशन टू द एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन क्या हो रहा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या था, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स एसेट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट या एडिशन टू द एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या भाई, सैलरी एंड वेजेज, जनरल एक्सपेंस, रेंट, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। माने साधारण भाषा में कहें संपत्ति खरीदने के लिए या संपत्ति बनाने के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए या संपत्ति को बनाने के लिए जो हम खर्च कर रहे हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो हम बिजनेस को चलाने के लिए खर्च कर रहे हैं, कमाने के लिए खर्च कर रहे हैं, ऐसे खर्चा को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं लगता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये बार बार लगता है, ये रिकरिंग नेचर का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक साल से ज़्यादा का फायदा देता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक साल से ज़्यादा का फायदा नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग को पढ़ना भाई कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है ऐसा पैसा जो पूंजी के तौर पे हम रिसिप्ट किए हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, ओनर ने पूंजी लगाया, कैपिटल रिसिप्ट है। हम लोग लोन लेकर के पूंजी बनाए, ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है। या किसी एसेट को बेचे, एसेट को बेचने में हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जब हमें पूंजी के तौर पे, या तो लोन के रूप में या तो मालिक अपना खुद का पैसा लगाया है, ऐसा पैसा रिसीव हो रहा, इसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है ऐसा पैसा
जो बिजनेस एक्टिविटीज से हमें कमाई हो रहा, ऐसा पैसा जो हमें बिजनेस एक्टिविटीज से कमाई हो रहा, जैसे मान लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज को बेच दिए, डिस्काउंट हमें मिल गया, थोड़ा कमीशन मिल गया, ऐसे कमाई को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसोर्स। माने बिजनेस एक्टिविटीज से जो हमें कमाई हो रहा, बिजनेस का प्रक्रिया से जो हमें कमाई हो रहा, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसोर्स। अब कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट तो हो गया, अब प्रश्न आता है कि भाई कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है। तो कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है जब फिक्स एसेट को बेच करके हमें फायदा होगा, जब फिक्स एसेट को बेचकर हमें फायदा होगा उसे कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। और जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस चल रहा नॉर्मली, उससे जो कमाई होगा उसे रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। अच्छा, एसेट को बेच करके लॉस भी तो होता है, एसेट को बेचने में लॉस होता है, एसेट हम अपना कोई बेच दिए, जैसे मान लीजिए हमारा कोई जमीन है उसे बेचे लॉस हो गया, ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए एक तो मशीन है उसको बेचे हमारा लॉस हो गया, उसे हम कहेंगे कैपिटल लॉस। एक मशीन है मान लीजिए 40,000 में खरीदे थे, उसे 30,000 में बेच दिए, ये क्या हो गया कैपिटल लॉस। 40,000 में खरीदे थे 60,000 में बेच दिए, बेसी में बेचे हैं, ये कैपिटल प्रॉफिट है। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या हो, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो हमें कमाई हो रहा, वस्तु और सेवा को बेच के जो हमें कमाई हो रहा ये रेवेन्यू प्रॉफिट है, और वस्तु और सेवा को बेचने में हमें लॉस हो गया तो ये रेवेन्यू लॉस हो गया। तो कैपिटल प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट का ही कैपिटल प्रॉफिट पार्ट होता है, और रेवेन्यू प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो हम लोग क्या क्या समझे हैं, संपत्ति को खरीदने में और संपत्ति को बनाने में जो खर्चा लगेगा उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, कमाने के लिए जो खर्च करेंगे जैसे सैलरी एंड वेजेस, रेंट वगैरह, इसे कहते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा करेंगे उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब पूंजी के तौर पर जो भी हमें पैसा रिसिप्ट होगा उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज से जो भी हमें कमाई होगा उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। कैपिटल प्रॉफिट, फिक्स एसेट को बेच करके जो भी हमें फायदा हो रहा वो कैपिटल प्रॉफिट है, फिक्स एसेट को बेचने में हमें जो लॉस हो रहा वो कैपिटल लॉस है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो हमें कमाई हो रहा है वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट है, और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हमारा लॉस हो रहा है उसे हम रेवेन्यू लॉस कहते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू प्रॉफिट जो है ये पार्ट होता है कैपिटल रिसिप्ट का। और सेकेंड हम लोगों का आपका माफ करिएगा, कैपिटल प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, और नेक्स्ट हम लोग वीडियो में आपका इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, एमसीक्यू वगैरह डिस्कस करेंगे।